हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आप लोग के लिए जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है TCS NQT टीम की तरफ से। बता दो, यहाँ पर TCS के NQT के एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग के पास जो है मेल भी देखने को आ रहे हैं। अगर आपने NQT का एग्ज़ाम लिख रखा होगा तो आपके पास भी ये जो NQT का स्कोर कार्ड रिलीज़ होगा। और उसके बाद क्या करना है, कब TCS अपना इंटरव्यू स्टार्ट करने वाली है, ये इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, कौन से बैचेस इसके लिए एलिजिबल है, कट ऑफ क्या होने वाला है, हम लोग कहाँ से अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, कैसे हम लोग TCS पे नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे, क्या होगा प्रोसेस, सब कुछ हम लोग बात करेंगे इन डिटेल। सो प्लीज़ वॉच व्यू कंप्लीट सो दैट यू कैन इजली गेट टू नो। डोंट वरी, आई विल ऑल्सो डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन इंग्लिश एज वेल सो दैट ईच एंड एवरी वन इज गोइंग टू बी अंडरस्टूड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन दिस काइंड ऑफ एनक्यूटी कार्ड यू कैन गेट फ्रॉम दी आफ्टर राइटिंग योर TCS पेड एनक्यूटी, बिकॉज TCS इन द लास्ट वन एंड हाफ ईयर TCS डिडंट लाइक taken any like started the free NQT free hiring for the Ninja Digital and all team for the BPS hiring they conducted free NQT hiring. Okay, and for the paid NQT they already started and right now they are also right like exam I think 15th of July there is a TCS paid NQT exam and this kind of mail your this kind of scorecard is look like your part A part B part C if you are purchasing the 999 rupees package of TCS IT and TCS NQT IT readiness pack then you are going to write through all the three exam and here you can see the screen the score my subscriber got is numerical ability for 460. Okay, and verbal ability 565 out of 600 and reasoning ability he got 513. Okay, total 1504. Okay, and out of 1500 he got total of 83.59% and part B he got 75%. Okay, and hands assessment he got a 98.99%. So this is a very high score. Okay, so sir, what's the cutoff? So if you are getting your more than 60%, then you are eligible for applying TCS as well as the multiple companies which is hiring from their site. But if you want to apply, you can apply, but there's no update. They will send you a shortlisted mail or interview mail, but they will not provide you a job. ये मैं आपको बता दूँ क्योंकि पेड एनक्यूटी से यहाँ पर बस उनके साइट पे आपको मिलता है देखने को कि पेड एनक्यूटी से आप लोग TCS के साथ साथ आप लोग जो है 1500-2000 जो भी कंपनी लिस्टेड है उनके TCS एनक्यूटी TCS आए उनके पोर्टल पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होता है। आप लोग ट्राई भी कर लेना, लेकिन हाँ, अगर आपका 60% से ज़्यादा है तो आप लोग TCS के अलावा सभी में अप्लाई कर सकते हो। और हाँ सर, क्या TCS हम लोग को यहाँ पर हायरिंग करेगी, जैसे इनका जो है आया है टोटल इनका आया है 83% फाउंडेशन सेक्शन में, एडवांस में 75, प्रोग्रामिंग में 99 98, तो ऐसे इनके पास TCS का इंटरव्यू देखने को आ सकता है इन फ्यूचर। मैं आपको बोलूँगा फिर बिग नो, बिकॉज TCS यहाँ पे एनक्यूटी हायरिंग फिलहाल पिछले 1 से 1.5 साल से बंद कर चुकी है, तो यहाँ पर आप लोग अपने हायरिंग को एक्सपेक्ट मत ही करना। एनक्यूटी एग्जाम लिखना है लिखो, जितना आपको पैसा लगाना है 999 रुपीज देखिए दे सकते हो, देयर इज नथिंग टू वरी, क्योंकि आपके पास ढेर सारे पैसे तो यू कैन वेस्ट ओवर देयर, बट TCS विल नेवर हायर थ्रू द पेड एनक्यूटी। तो ये बात मैं आपको पहले पिछले 15-20 वीडियो से बता रहा हूँ, और पिछले मैं 1.5 से 2 साल से ही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको अगेन रिपीट करूँगा कि अगर आप लोग पेड एनक्यूटी लिखते हो तो आप लोग ये मत एक्सपेक्ट कर लेना कि पेड एनक्यूटी लिखने में अगर आपका 100 स्कोर भी आ गया ना 100% तीनों में ही, तो भी आपके पास TCS का इंटरव्यू मेल क्या कॉल क्या कुछ भी नहीं आएगा, ना ही आपके पास नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पेड एनक्यूटी हायरिंग नहीं करेगी। अगर TCS हायरिंग करेगी तो आपके लिए फ्री एनक्यूटी काफ़ी जल्द अनाउंस करेगी, अगर हमारे पास अपडेट्स आता है मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, लेकिन हाँ, आने वाले 1 से 2 या 3 महीने में TCS अपना फ्री एनक्यूटी हायरिंग काफ़ी जल्दी लॉन्च करेगी, ठीक है। मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब भी कुछ हमारे पास ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट्स देखने को मिलता है तो, ठीक है, आप देख सकते हो। फिर आई थिंक दिस बोथ आर द डिफरेंट ओके, आई थिंक सो, यस बोथ आर द डिफरेंट ओके, दिस बोथ ऑफ ना 27th अप्रैल कैन सी एंड ही गोट टोटल ऑफ 96.81 एंड ही गोट 98.89 एंड फाउंडेशन ही गोट 65 ही गोट 75% एंड न्यूमेरिकल वेटी ही गोट 83% एंड ही गोट 83.31 ओके ऑलमोस्ट सेम, बट दिस बोथ मतलब मुझे बहुत सेट बोल लग रहा है बोलने में कि दोनों के पास नहीं, आप इन दोनों के पास कुछ भी अपडेट देखने को नहीं आएगा। बात करते हैं कहाँ से डाउनलोड अपलोड करना, वो सब बताता हूँ। ओके, तो मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आपको आना है, पहले आपको लॉगिन कर लेना है, जैसे देखिए मैं आप लॉगिन कर चुका हूँ, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद फिर आप ही देखो, फिर यहाँ पर TCS ने TCS एनक्यूटी टीम ने ये नया लॉन्च किया है, ये बटन व्यू पास्ट रिजल्ट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करते वक्त यहाँ पर आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा, यूज़र आईडी आपका होगा CTDT नंबर नहीं, NQT नंबर आपका,
ठीक है, जो भी जो कि आपको अपने स्कोर कार्ड या फिर आप लोग जब एग्जाम लिखे होगे तो वहाँ पर आपको एक एनक्यूटी का स्कोर कार्ड मेंशन किया होगा, उसे आप लोग को देखे लॉगिन करना है। अब पासवर्ड क्या है सर? फोन नंबर। ओके, और यहाँ पर आप लोग ये डिटेल्स करोगे तो ये जो करंट एग्जाम चलने वाला है वो है कि आपका 4 जुलाई से पहले अप्लाई करना है, 5 जून का एग्जाम होने वाला है जो कि पेड एनक्यूटी है। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पर 2400 प्लस कॉर्पोरेट यहाँ पर हायरिंग करती है, 23 इंडस्ट्री है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो आप लोग एग्जाम दे सकते हो। बट यहाँ पर आप लोग एक्सपेक्ट मत करना कि आपको टीसीएस यहाँ पर हायरिंग करेगी, क्योंकि बिल्कुल मुझे पता है 99% लोग यहाँ पर पेड एनक्यूटी एग्जाम इसलिए लिखते ताकि उनको टीसीएस में जॉब मिले, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग चाहते हो पैसा वेस्ट करना तो आप लोग जो है, अगर आप लोग बीबीटेक से हो तो आप लोग ये इतने रुपये खत्म कर सकते हो, दे सकते हो। अगर आप लोग सिंगल लेना है तो कॉग्निटिव ले सकते हो, या फिर अगर आपको जो है बीपीएस से हो तो आप लोग बी5 साइड परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे छोड़ता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर 2014 से 2018 बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं, वर्किंग प्रोफेसर भी, तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस, फाइनल प्री फाइनल सभी अप्लाई कर सकते हैं। सर कंपनी जहाँ पर हायरिंग करती है, बट यहाँ से कोई भी हायरिंग नहीं आती है। खैर जो भी हो जैसा भी हो, चलिए अब यहाँ पर आपको आ जाना। फिर यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन जब कर ले तो आपके सामने शो करें एप्लीकेशन डिटेल्स या फिर आपका स्कोर कार्ड, इस आपको कुछ स्कोर कार्ड शो करेगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है, आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, सारा स्कोर कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपने मल्टीपल टाइम एग्जाम दिए हैं तो जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वही आपका एनक्यूटी के स्कोर कार्ड पर पब्लिश किया जाएगा, आपको शो करेगा। ठीक है, ये भी बता दिया आप लोग को। ठीक है, ऐसा आप लोग स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेना, और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको बैठ के अपना स्कोर कार्ड को शो अप करना है कि आपने एनक्यूटी एग्जाम लिखा, आपका 99% आया, बट उसके बाद इसका नो देयर इज नो यूज आफ्टर राइटिंग द पेड एनक्यूटी एग्जाम। हाँ, यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करो, अप्लाई करो कंपनीज में, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको दिखा भी दूँ कैसे अप्लाई करना है। जॉब्स में क्लिक करो, ठीक है, और आपको जिसमें भी अप्लाई करना है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, सभी नई नई कंपनी यहाँ पर आपको लिस्टेड होगी। ठीक है, आप लोग जिसमें भी इंटरेस्टेड अप्लाई करने के लिए, आप लोग सिंपली अप्लाई ना पर क्लिक करो, आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करना, कहीं कुछ डाउट से कमेंट पूछेगा, मिलती है। जय हिंद, जय भारत।